एसी चालू करना होगा ना फिर। हाँ जी बढ़िया नहीं बन। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा, लास्ट क्लास का आप लोगों ने पढ़ के आए क्या? देखो लास्ट क्लास मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं ना, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो आप उसको जस्ट पेजेस को टर्न करके भी आओगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद द क्लास नाउ। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिले बता दिया था ना आपको। तो डिले का मतलब क्या होता था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिले का मतलब वो टाइम पॉजिटिव होगा। जैसे एक स्टूडेंट ने बोला सर टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, वो एडवांसिंग सिग्नल हो जाएगा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उसको, तो उसको आप स्किप करो। कंप्यूटर साइंस में हमेशा डिले पॉजिटिव वैल्यूज में आएगा। डिले की यूनिट हमेशा हम बोलेंगे या तो वो नैनो सेकंड पे होगा या तो वो माइक्रो सेकंड पे होगा, और एग्जाम्स में दोनों दिया हुआ यूनिट वाइज। तो सेकंड तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड काफी ह्यूज डिले है, इसलिए नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड का होगा। इतना सही है अभी। इन्वर्टर हमारा हो गया था, ठीक है परफेक्ट। आगे स्टार्ट करते हैं। अभी इन्वर्टर तक हमने क्लियर कर दिया। इन्वर्टर का नाम बताया था मैंने, इन्वर्टर को और हम फेज शिफ्टर भी बोलते हैं, वो नाम याद होना चाहिए आप। इन्वर्टर को और हम बोलते हैं फेज शिफ्टर। इस फेज शिफ्टर को मैं एक बार ऐसे बताता हूं आपको, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट। बफर के आगे एक बबल इन्वर्टर है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ऐसे वो ऊपर वाला एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है और नीचे वाला एक डिजिटल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। देखो ऐसे प्लस लिख रहा हूं इट मींस ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ऐसे माइनस लिख रहा हूं इट मींस ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मान लो अगर ये एनालॉग इन्वर्टर से पास हुआ, मान लो ये एनालॉग इन्वर्टर से पास हुआ, तो हमारा वेवफॉर्म ऐसे दिखाई देगा। और अगर आप चाहो तो एम्पलीफाई अपना बड़ा करके भी बना सकते। तो देखो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, वहां जाने के बाद क्या हो रहा है पता है? वही पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट। जो नेगेटिव हाफ साइकिल था ये आउटपुट में आने के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट। तो ये एनालॉग का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। दोनों में साइन और कॉस का कोई रिलेशन नहीं है बेटा। अगर हम उसको साइन वेव फॉर्म मानेंगे तो कुछ लोग इसको कॉस वॉस की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ वो डाउट नहीं है। कॉस और साइन आपस में एक कॉम्प्लीमेंट्री वेव फॉर्म है, ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं को साइन, ठीक है। क्लास के बाद फोन करता हूँ चित्रांश भाई। नेक्स्ट वन इसको देखिए, अभी ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है। इन्वर्टर से पास किया था ना हम लोगों ने जब इसको इन्वर्टर से पास किया था तो जीरो किस में कन्वर्ट होगा? वन। फिर वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। अब ये फेज शिफ्टर क्यों बोल रहे हैं उसको देखो आप। यहां से यहां तक जो टोटल फेज डिफरेंस आएगा, एंगल में जो डिफरेंस आएगा या आर्गुमेंट में जो डिफरेंस आएगा वो 180 डिग्री है। तो सीएस वालों को ये नाम याद होना चाहिए और थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों है, नहीं तो फिर डेरिवेशन भी है इसका, ठीक है। यहां तक लिख लो आप, वन को जीरो करना और जीरो को वन करना, इसी को हम डिजिटल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बोल रहे हैं। 180 डिग्री का फेज, फेज मतलब एंगल होता है, फेज और एंगल में कोई डिफरेंस नहीं। आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो उसको। तो नेक्स्ट टाइम अगर फेज डिफरेंस बोलेगा 180 डिग्री का तो समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस में उसका मीनिंग एज सच क्या है। ठीक है, विल मूव अहेड, यहां तक नोट करना हो गया होगा, आगे चलते हैं।
we are going to talk about now OR gate का नाम बताया था मैंने, logical adder बोला था, OR gate का नाम बोला था logical adder, क्योंकि हमको binary adder भी पढ़ना है, fine, तो adder से हम confuse नहीं हों, जो OR gate है, is one of the example of logical adder, logically add करने का एक example जानते हैं हम, या हम देख लेते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करते भी जाओगे तो अगर हाई वैल्यू है तो हाई की आई. दिस इज सपोज टू बी एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एडिशन. नेक्स्ट वन, अगर हम एक बार बाइनरी का भी एग्जांपल, जैसे कि आप जानते हो 1 + 1 ये तो 2 होता है, परफेक्ट, बट सर ये तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं. हाँ तो बट ये इसको भी तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको भी तो कुछ नाम दोगे. 1 + 1 जो आप 2 लिखते हो ये हमारा डेसिमल एडिशन है, डेसिमल नंबर सिस्टम पे एडिशन, डेसिमल एडिशन. मतलब बेस 10 में एडिशन, बेस, तो आगे मैं लिखता हूं यहां पे, ये वाला बेस 10 एडिशन और फ्यूचर में अगर हम बेस को रेडिक्स भी लिखते हैं तो दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची दूसरे सिनोनिम्स. 1 + 1 = 2 होता है, ये तो पढ़ते हैं, बट ये नहीं, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम का एडिशन है, ये वाला लॉजिकल एडिशन है. नेक्स्ट वन, इसको देखो, 1 + 1 = जो आप 2 लिखते हो बाइनरी में वो ये लिखते हो, इसका भी नाम है तो एडिशन में भी लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता. नेम वाइज बोला मैं, नेम वाइज इसका नाम है बाइनरी एडिशन, और हम बाइनरी एडिशन नहीं पढ़ रहे बेटा, अभी मैंने हाईलाइट कर दिया कि क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, वैसे 1 + 1 एक्चुअली ये 1 + 1 को मैं और हाईलाइट कर रहा हूँ कि वहां पे एरर क्या है. अगर कोई ऐसा एडिशन करता है तो वो एडिशन थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, अगर उसको कंप्लीट एक्यूरेसी वाइज को लिखना है. और 0 1 ये है वो एक्यूरेसी वाइज, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर ये एक्यूरेट क्यों नहीं है, इतना एक्यूरेट क्यों नहीं है, इसमें क्यों मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमको, क्योंकि ये 1 bit है और ये भी 1 bit, और 1 bit 1 bit का एडिशन 2 bit में हम लिख नहीं सकते, तो 1 bit 1 bit का एडिशन को 1 bit में ही लिखना पड़ेगा. इसलिए देखो मैंने 1 को 0 1 लिख दिया. अब देखो 1 इज रिप्रेजेंटिंग 2 bit फॉर्म, सिमिलरली 1 इज रिप्रेजेंटिंग 2 bit फॉर्म, तो आंसर कैन बी 1 0. नाउ दिस इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 bit बाइनरी एडिशन, बिकॉज आंसर देखो, आंसर देखो 2 bit binary addition, तो सही है, बट ये भी okay है, बट अगर आप ज्यादा accurate बोलोगे सर, ज्यादा accuracy wise लिखना है मुझे, तब ये सही, precision या accuracy बोलो आप, precision वाला word भी चलेगा, accuracy वाला word भी चलेगा. तो अभी हम logical और पढ़ रहे हैं, तो मैंने बता दिया, ठीक है, subtraction बाद में देखेंगे, अभी जो हमारा focus है, वो logical और में, और gate बोलो या logical और बोलो. मैं बोला था ना कन्वेंशनल सिंबल आपको याद होगा, हम जो भी पढ़ेंगे क्लास में वो कन्वेंशनल सिंबल होगा, जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे बेटा वो कन्वेंशनल सिंबल होगा. IEEE सिंबल नहीं पढ़ना है हमको, बताया था मैंने वो कब पढ़ते हैं, जब हमें रिसर्च पेपर लिखना हो तो, तब वो भी डिस्क में. Talking about input, चलो हम input ले लेते हैं AB. आप caps of AB भी ले सकते हो, but मेरा जैसे एक हमारा habit हो चुका है ना, तो मैं small alphabet prefer करता हूँ input की तरह. F ले लेते हैं हम, output, और plus क्या होगा यहाँ पे? Plus मतलब logical or operator को represent कर रहे हैं. What is plus representing to you?
प्लस का मतलब है लॉजिकल और। एक बार लॉजिकल और बोल दो, उसके बाद और बोल सकते हो आप। और ऑपरेटर क्या होता है ये जानने की जरूरत। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे हम ऐसे करते थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ टी सम फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ टाइम इनटू डीटी। तो ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है, या इंटीग्रेशन का सिंबल भी बोल सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में सिंबल के बदले हम ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस सिंबल बोलने के बदले अगर आप प्लस ऑपरेटर बोलोगे मैथमेटिक्स में तो ठीक रहेगा। तो इसलिए हमें पता है कि ये ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। और ऐसे नहीं सिर्फ बिजनेस में पढ़ते हो, आपके बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं, उसमें भी आप पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साइड पे। लेट्स टॉक अबाउट ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से घबराना नहीं है, ट्रुथ टेबल के हर एक बेसिक को समझना है, बोला था मैं। क्यों? यही ट्रुथ टेबल आपका बेसिक काम करेगा। SIPO मतलब ऑल टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर बोलना चाहिए। SISO, SIPO, PIPO, PISO, ऑल टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर में भी ट्रुथ टेबल के थ्रू हम हर एक शिफ्ट रजिस्टर का रेस्पेक्टिव आउटपुट लिख सकते हैं। हाँ, अभी देखो, दो वैल्यू है तो चार कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। चार कॉम्बिनेशन को आप सिंबल भी बोल सकते हो। लिखने का तरीका देखिएगा ना, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन। देखो चेंज कर रहा हूं ना मैं कलर इंटेंशनली, ठीक है। और गेट का आउटपुट देखो, यहां पे देखो OR गेट का आउटपुट 1 आ रहा है, एटलीस्ट एक इनपुट 1 हो तो ठीक है। ये डेफिनेशन ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है, बट ठीक से भी बेहतर होता है। परफेक्ट डेफिनेशन सुनिए अभी। एक बार 0 आया और कभी 0 नहीं आता, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यूनिक, लाइक ताजमहल इज यूनिक। सो सिमिलरली OR गेट में आउटपुट 0 एक बार आता है, दैट इज यूनिक, यूनिक आउटपुट। और गेट का आउटपुट यूनिक कब है? जब सारे इनपुट जीरो होंगे। तो ये वाला भी डेफिनेशन ठीक है, चलेगा, बट इससे बेहतर डेफिनेशन देखो। आउटपुट ऑफ और गेट इज लॉजिकली जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट, एन नंबर ऑफ इनपुट यू कैन हैव व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लो लॉजिक। एक ही बार आया ना, एक बार आया जीरो तो यूनिक आउटपुट। सर मैं अगर ऐसा बोलूं कि आउटपुट ऑफ OR gate is logically one, then at least one of the corresponding input is at high logic, at least one, all can be, no problem. वो भी सही है, लेकिन दो सही में से ज़्यादा सही कौन है? वो ये। टॉकी की बुक में दोनों डेफिनेशन की बात। अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो, बट मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंशियल सर्किट में यूनिक डेफिनेशन काम आएगा। और वैसे भी एक बार बात सोचो, हर लॉजिक गेट दुनिया में क्यों यूनिक है? वो इसलिए यूनिक है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी यूनिक है। दुनिया में और कोई ऐसा लॉजिक गेट नहीं होगा जो एक ही बार जीरो जनरेट करता है, और वो भी इस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस या काइंड ऑफ इनपुट में, जब सारे इनपुट जीरो होंगे तो ही जीरो होगा। फर्दर डिस्कशन की नीड नहीं है, डाउट होगा तो बताएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट पूछा हुआ है, 01 प्लस 01 को 10 कैसे लिखा? ओके, कहाँ पे लिखा है मैंने? यहाँ पे देखो बेटा, 1 प्लस 1, अच्छा यहाँ की बात करें हम, 01 प्लस 01, इट इज 2, और 2 को आप बाइनरी में लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर वेट कर लो आप, मैं 15 तक तो लिखाऊंगा, राइट? फ्रॉम 0 से लेकर 15 तक बाइनरी में लिखना हमको आना चाहिए, ठीक है? यहां तक लिख लो आप। डेफिनेशन एक बार रिपीट करना है, ओके, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन। आप खुद भी लिख सकते हो, एक बार सुनोगे तो खुद लिख पाओगे। आउटपुट ऑफ OR गेट इज एट लो लॉजिक, ठीक है, डन, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लो लॉजिक। ये डेफिनेशन ज्यादा एक्यूरेट है, प्रिसाइज। आउटपुट ऑफ OR गेट इज एट लो लॉजिक 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स इज एट लो लॉजिक, ठीक है? यहां तक लिखिए, 01 प्लस 01, 10 कैसे आया? वो 2 है एक्चुअली, वो दिख जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद।
किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ, और एस वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नहीं है ना, जल्दी कंटिन्यू करो। डेफिनेशन रिपीट नहीं करना ना, डेफिनेशन रिपीट कर दिया ना बेटा, तो अब रिपीट क्यों करना है? सही है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो सिद्धार्थ सर है, मैं हूं, राकेश सर, भाई हर टीचर का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। सिमिलरली हर एक लॉजिक गेट की पर्सनालिटी या डेफिनेशन वाइज अलग अलग होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ, ऐसा टिक मार्क आगे भी करूंगा मैं, जो टिक मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपको सीक्वेंशियल में ट्रंकेशन के टाइम पे काफी हेल्प करेगा। ऐसा कोई भी लॉजिक गेट लगा दोगे तो हो सकता है ट्रंकेशन प्रॉपर ना हो पाए, तो इसीलिए मैं आपको बेस अभी से बना रहा हूँ कि जब हम सीक्वेंशियल पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन काम आएगा ना, कि ये डेफिनेशन काम आएगा कि सर आउटपुट वन तब आएगा जब हमारे पास एटलीस्ट एक इनपुट लॉजिकली हाई हो। ये डेफिनेशन एज सच काम नहीं आएगा वहां पर। यूनिक बिहेवियर देखो ना बेटा, यूनिक मतलब आउटपुट देखो, हम आराम से आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट दिखा ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो यूनिक टाइम अपना अपीयरेंस आउटपुट में दे रहे हैं? तो वो जीरो है और वन है, लेकिन वन तो तीन बार आया, वो भी चार केसेस में, लेकिन जीरो एक बार आया। अगर हम थ्री इनपुट लेते हैं, आठ केस बनाते हैं, तो ट्रिपल जीरो से ट्रिपल वन तक जाते हैं, तो ट्रिपल जीरो में ही जीरो आता, बाकी सारे जगह पे वन आता, तो जीरो तो एक ही बार आया ना, तो जो एक बार आएगा उसको हम यूनिक ही तो कहेंगे ना। ठीक, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का है, बट आपको नीड नहीं है यहां। सुनिए ध्यान से, मैपर एक सर्किट होता है रियल वर्ल्ड में, एम ए डबल पी ई आर, स्पेलिंग भी बता दिया मैं क्योंकि एम प्रॉपर विजिबल नहीं है लगा मुझे। मैपर, मैपर एक डिवाइस है जो कि बाइनरी को इनपुट को सिंबल में कन्वर्ट करेगा। एन इनपुट टू रेज टू द पावर ऑफ एन कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप सिंबल बोल रहे हो तो ज्यादा बेहतर है। इसका एग्जांपल देखो, एक नाम है लाइक रोहित, प्रेम, एग्जांपल बोला मैं ठीक है, और कुछ नाम है राज बोलते हैं, और कुछ कुछ नाम होता है ना, रोहित, राज, प्रेम, कॉमन नेम बता दो, चलो मान लेते हैं तीन ही है, एक और नाम लिख लेते हैं, भाई का नाम लिख लेता हूं। ओके, ऐसे चार नाम है। अब इस चारों नाम को हमें डिजिटल रोल नंबर असाइन करना है, तो एक बिट मान लो मैं असाइन करता हूं, तो इसका अगर एक बिट असाइन करोगे तो इसका नाम हो गया जीरो, इसका नाम हो गया वन, तो बात तो खत्म नहीं हुई। तो वन बिट यूज करके हम चार स्टूडेंट को डिजिटल रोल नंबर नहीं असाइन कर पा रहे, ठीक, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बिट यूज करके चार स्टूडेंट को डिजिटल रोल नंबर नहीं असाइन कर सकता, तो मैंने बोला बिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो हमने बोला चलो टू बिट की बात करते हैं। अब देखो जीरो जीरो हो गया, एक यूनिक कॉम्बिनेशन, जीरो वन हो गया, वन जीरो हो गया, थर्ड यूनिक कॉम्बिनेशन, और लास्ट वन 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 हो गया। ऐसा हम बिट वाइज बढ़ते, अगर आठ स्टूडेंट होते तो मेरे को तीन बिट लेना पड़ता। मान लो हमारे पास तीन ही स्टूडेंट है, रोहित, प्रेम और राज, तीन ही स्टूडेंट है, तो हम क्या असाइन करते हैं? तो भी हम दो ही बिट असाइन करते, क्योंकि एक बिट से हम दो ही तक जा सकते हैं। ठीक, यहां तक हमको समझ में आ जाना चाहिए। इस चीज को मैं दूसरे पे में बताता हूं, और ए बी सी डी वेरिएबल्स नाम बोला मैं, फोर इनपुट है, फोर इनपुट्स, प्लूरल है इसीलिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 16 कॉम्बिनेशन,
16 कॉम्बिनेशन बोलो या 16 सिंबल बोलो, चार इनपुट है तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने। 16 का सबसे पहले आधा करना है आपको, यही मेथड हम फॉलो करेंगे। 16 का हाफ करोगे 8 आएगा, तो 8 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 8 बार बन अब अगेन इसका आधा करो, 8 का आधा तो हो गया 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1 और 4 का भी हाफ करता हूं मैं तो 2 टाइम्स 0 हो जाए, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। अब 2 का भी आधा करो तो अल्टरनेट 0 1 देखो ऐसे लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं 4 बिट में कर चुका हूं तो आप 3 बिट में कर सकते हो, ठीक है ओके। इसको देखो 4 बिट यूज किया हुआ और स्टार्टिंग फ्रॉम 4 टाइम्स 0 से लेकर 4 टाइम्स 1 इसका बेस 10 लिख रहा हूं मैं, मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर बेस 10 और ये तो बाइनरी में। 4 बार 0 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 बेटर ये है कि आप कंप्लीट करोगे तो ये 14 होगा, चेक कीजिएगा अभी चेक करना आपको, और ये 15 है। तो हम लोगों को ना 0 से लेकर 15 तक का जितने भी डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट पे और 3 बिट पे, अगर हम 8 बिट तक जाए या 8 तक जाए तो 8 नहीं 8 इज नथिंग बट 1000 तो 7 तक जाए, तो 3 बिट में 7 तक पता होना चाहिए और 4 बिट में 15 तक हमको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को ये कॉम्बिनेशन लिखने में ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, हमें MSB से स्टार्ट करना है। सर ये MSB क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार हमको डाउट हो जाता है। लेफ्ट मोस्ट बिट को हम MSB बोलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। शुरुआती दौर में जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो ये बात अच्छी लगती है कि लेफ्ट मोस्ट बिट को हमने MSB बोला और राइट मोस्ट बिट जो डी था उसको MSB बोला। ये इनिशियल क्लासेस में एक दो क्लासेस में ठीक लगता है, लेकिन बाद में हम MSB LSB को टेक्निकल डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। अभी मैं खुद कह रहा हूं कि मैं ये डेफिनेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि लेफ्ट मोस्ट बिट हमारा MSB है और राइट मोस्ट बिट हमारा LSB, ठीक है। अभी से अभी के लिए ये समझो, आप मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास मान लो 512 एक नंबर है, वो भी बेस किस में, ऑब्वियसली 512 लिखा हुआ है तो बेस 10 पे लेना प्रेफर करेंगे हम सब, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं बेस 10। इसको ऐसा करो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10 स्क्वायर 100 प्लेस, इधर स्पेस नहीं इसलिए यहां लिखो, प्लस 1 का जो प्लेस वैल्यू है इट लाइज इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस, और जो 2 है प्लस वो यूनिट प्लेस में है जिसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं। तो देखो किसका वेटेज या किसका एक्सपोनेंशियल पावर सबसे ज्यादा है या किसका प्लेस वैल्यू बचपन में हम बोला करते थे, बचपन में हम बोलते थे प्लेस वैल्यू, इसको मैं हाईलाइट करने के लिए अलग कर देगा तो सेपरेशन दिखाई दे आपको। मैं बताया कि MSB और LSB डिफरेंस क्या है, वो डेफिनेशन नहीं है जो इन जनरल लोग कहते हैं, या वो डेफिनेशन नहीं है जो इन जनरल कॉमन बुक्स में लिखा होता है कि MSB का मतलब लेफ्ट मोस्ट को हम MSB ले लें, नहीं, जिसकी इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी या प्लेस वैल्यू ज्यादा हो। बचपन याद करो अपना, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस,
लैक 10 लैक करते थे इंडियन ट्रेडिशन में, हम लोग इधर की तरफ चलता है, मिलियन और बिलियन वो यूएस की तरफ चलता है, वेस्टर्नाइज सिविलाइजेशन की तरफ, मल्टीपल ऑफ 3 10 के पावर 3 के फॉर्मेट में डील करता है, और हम लोग 10 के ईच एंड एवरी पावर को डील करते हैं प्रॉपर, तभी लाख 10 लाख क्रोर्स 10 क्रोर्स के फॉर्मेट में हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एमएसबी वेट, जिसका प्लेस वैल्यू या जिसका वेट ज्यादा हो उसको बोलेंगे। यहां तक इतना कंप्लीट करो, एक बार और इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसको ही अभी यहां पे मैं यूज करने वाला हूं, इट विल बी गुड टू सी ओवर हियर दैट कंसेप्ट ओवर हियर। देखो ध्यान से, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं या तो इसी स्लाइड में लिख लेता हूं, बेटर यहीं पे रिफ्लेक्शन के लिए यहीं पे करते हैं। देखो ए है ये, देखो अब ये बाइनरी है, तो 2 पावर 0 लाइक यहाँ पे देखो 10 पावर 0 10 पावर 1 10 पावर 2 10 पावर 3 10 पावर 4 ऐसे सोन होता ना, यहाँ पे देखो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 तो इट्स अ गुड वे टू राइट लाइक दिस ए इंटू 2 क्यूब, क्योंकि ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसीलिए 2 का पावर बनेगा, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसीलिए 10 का पावर बनेगा, प्लस 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 b इंटू 2 स्क्वायर प्लस c इंटू 2 पावर 1 प्लस d को d लिख दो, क्योंकि d इंटू 2 रेस्ट पावर 0 हो रहा है, ये एक्सपेंशन है, यही हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा पहले पढ़ा दिया। चेक करना ये नंबर अभी 15 आएगा 14 आएगा एंड सो ऑन आएगा। मैं बोलता हूँ कोई भी एग्जांपल ले, ए को 1 लो, बी को 1 लो, सी को 1 लो, डी को 1 लो, ए को 1 बी को 1 सी को 1 डी को 1 पुट करो, 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, परफेक्ट सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू मैप, लिसन केयरफुली, जो हमने जो फॉर्मूला बनाया इन ऑर्डर टू मैप इधर वाला, दैट मींस बाइनरी वर्ल्ड टू दिस वन decimal equivalent world is perfect now, but for one case we have satisfied, we can satisfy for 3-4 different cases so that we can generalize this formula. यहाँ ये formula बना है वो सच में really में true है, इसकी बात करते हैं 1 0 0 1 मतलब a 1 है और d 1 है, तो बाकी सबको तो 0 put करोगे बेटा, तो अगर b 0 है तो हट गया, c 0 है वो भी हट गया, a को 1 put करता हूँ तो 8, d को 1 put करता हूँ तो 8 और ये 2 पावर 0 1 तो टोटल आ गया 9, ये देखो 9 ही 100 इज नथिंग बट 9, इसको देखो ये वाला 8 आएगा, चेक करें ए ही तो 1 है बाकी सब 0 है, तो परफेक्ट। तो ये वाला स्लाइड खत्म हो गया, मैंने आपको ये बताया कि 2 बिट में कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, 3 बिट में आप खुद बना सकते हो, 4 बिट का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, और ये हमें रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी कि किसी भी बेस 10 नंबर जो कि 0 से लेकर 15 के बीच में रेंज में लाई करता है उसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं या बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, बट दिस इज इनहेरेंटली अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, बट वी हैव यूज नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट ओवर हियर सो दैट हमको थोड़ा सा बेसिक का आइडिया रहे, सिलेबस में डाउट ना हो। अब एक स्टूडेंट ने बोला था सर 101 प्लस 01 2 कैसे आया, देखो 1 प्लस 1 2 ही तो आता है, लेकिन उस 2 को अब बेस 10 में नहीं लिखना है बेटा, बाइनरी में लिखना है, तो आंसर देखो 0010 यही है 0010, तो 512 है तो उसको कोई भी स्टूडेंट आराम से 00510 लिख सकता है, क्योंकि एमएसबी बिट में आप 0 अपेंड कर सकते हैं तो वैसे ही 01 प्लस 01 तो 2 होता है, 2 तो 2 को देखो ना बाइनरी में क्या लिखा 0010, लेकिन 2 बिट में क्या लिखोगे, आगे के 0 को हटा दो 10 लिखोगे आप, तो वो डाउट भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक लिखिए जो बिट्स को, यहां पे बिट्स लिख सकते हैं, जो बिट्स को सिंबल में कन्वर्ट करें, एन नंबर ऑफ बिट्स है, एन नंबर ऑफ बिट्स है,
अभी रिकॉल हो गया मेरे को, जो बिट्स को सिंबल या कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करे उस डिवाइस को कम्युनिकेशन सिस्टम की भाषा में हम मैपर बोलते हैं। n inputs 2 raised to the power of n output is considered as mapper device. नाम बस याद रख लो उसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे हम अभी और गेट को फर्दर पढ़ेंगे। You know what is this? We have talked about this dotted vertical line, a dashed vertical line represent a reference time. T is equal to 0. A input lena padega kyunki do input hai. इनपुट भी ले रहे हम लोग, ठीक है। मैंने बता रहा हूं कि यहां उतनी ही लेबलिंग कर रहा हूं जितनी लेबलिंग की हमें इंपॉर्टेंस है। T इज इक्वल टू 0 था, ये वाला जो टाइम गैप है मैं इसको 4 नैनो सेकंड बोलता हूं, जितना टाइम के लिए ये लो वैल्यू शो कर रहा है। ये वाला टाइम गैप 2 नैनो सेकंड का है, और जितने टाइम के लिए वापस लो है 4 नैनो सेकंड के लिए। कल की क्लासेस याद करो तो आप कर पाओगे। वेवफॉर्म आपको एग्जाम में दिया होगा और डिस्क्रिप्शन वाइज दिया होगा, मे बी वो ड्रॉ करके भी दे दे। आइडियल डिले ऑफ एनी लॉजिक गेट is 0, आइडियल डिले क्या होगा 0। मैं अभी f का वेवफॉर्म बना रहा हूं, f तो ये वाला है कॉमन एरिया, देखो जहां पे दोनों 0 होंगे उसी को 0 लिखेंगे, चेंजिंग द कलर। देखो यहां तक पूरा 1 है, तो सोचो मत इतना 1 ही है ये। इसको देखो इधर भी 0 है और ये भी 0 है, तो कॉमन एरिया को आपको हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर रहा हूं। बाकी ये 1 हो गया। वेवफॉर्म में जो वेवफॉर्म मैंने अभी बनाया है इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉजिकली बस ऐड किया हुआ। दिस इज विदाउट कंसीडरिंग डिले, तो नो डिले लिखता हूं। विदाउट कंसीडरिंग डिले इट मींस नो डिले, ठीक है। तो दिया नहीं था ना डिले, तो 0 ही डिले लेना पड़ेगा। बट मान लो एग्जाम में कोई डिले इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, लेट दैट डिले एज 6 नैनो सेकंड मान लिया ऐसे। तो हमने आपको बोला था ना इतने टाइम से हमारे वेव फॉर्म को हमको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सब क्यों दिया था पता है, क्योंकि 6 या आगे शिफ्ट 6 से शिफ्ट करना है ना, तो 6 कैसे मेजर करोगे? याद होगा आपको कल की क्लास में, लास्ट क्लास में जो डाउट आपने अराइज किया, तो अब मेरे को 6 से शिफ्ट करना है तो यार मैं यहीं से मेजर करूंगा, इसलिए जो भी पैरामीटर्स मुझे दिए हुए हैं वो जरूरी है शिफ्ट करने के लिए। ये वाला टाइम गैप कितना है, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन और इज द रेफरेंस टाइम, तो ये है 2 नैनो सेकंड। तो ये जो फॉल आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो फॉल आ रहा है, ये फॉल कब आया पता है, रेफरेंस टाइम के 2 नैनो सेकंड के बाद। तो अब ये फॉल उसमें 6 नैनो सेकंड ऐड करोगे आप, जो फॉल आ रहा था वो 2 नैनो सेकंड के बाद आया, तो अब वही फॉल 2 ऑलरेडी हो चुका है उसमें 6 का डिले हम करेंगे। तो बताओ, मैं सोच चुका हूं, बताना आपको वहां लिख कर, ये जो फॉल आ रहा है ना, ये 1 से जो 0 आ रहा है वो 2 नैनो सेकंड पे है बिना डिले के, तो डिले में 6 ऐड कर लो ना। अब तो बताओ
एट, बस यही जानना था मुझे. नाउ एफ विथ डिले, उसी वेव फॉर्म को मैंने बोला था, उसी वेव फॉर्म को पकड़ो, होल्ड दैट वेव फॉर्म एंड शिफ्ट दैट वेव फॉर्म टुवर्ड्स योर राइट बाय द गिवन प्रोपगेशन डिले. तो यहां पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन खींच देता हूं, तो ये जो फॉल आया है अब यही वाला फॉल 6 सेकंड के बाद आएगा, और ऑलरेडी यहां तक 2 सेकंड हो चुके हैं, और ये है 6, यहां तक 6 है, तो आगे जाएगा 8. तो सेम वेव फॉर्म बना रहा हूं मैं, ये जो फॉल आ रहा है अब वो 8 के बाद आएगा, यहां पे 2 और ये 4 जो दिया था वो मेरे मेजरमेंट का काम कर रहा है. तो 6 थोड़ा आगे जाएंगे हम, यहां तक बना है. अब ओरिजिन से, ओरिजिन से मेजर करते हैं हम इसको, तो ये तो 2 है और ये 8. ठीक है, थोड़े ड्यूरेशन के लिए ये लॉजिकली लो हो रहा है, ड्यूरेशन पूछ रहा हूं मैं, कुछ भी जो भी हमको लगता है कि यार ये पूछ सकता है वो पूछ सकता है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको बता रहा हूं. हो सकता है एग्जाम में ये दोनों वेव फॉर्म आपको स्टेटमेंट वाइज बता दे या तो ड्रॉ करके दे दे, और ऐसा बोल सकता है कि डिले 6 नैनो सेकंड का है, तो वो बोल सकता है आपका आउटपुट कितने ड्यूरेशन के लिए लो लॉजिक शो कर रहा है. चेक करता हूं मैं कितना ही है ड्यूरेशन, तो ये यहां से तो निकलेगा नहीं, यहां से निकलेगा कितना ड्यूरेशन है, इधर का तो 4 इसने 2 ने कवर कर लिया, तो ये हमारा ड्यूरेशन जो आ रहा है 2 नैनो सेकंड के लिए. इसको मैं ग्लिच नहीं बोलूंगा बेटा, ग्लिच के फॉर्मेट में दिखता है सर, ये ग्लिच क्या होता है, डोंट वरी, we are going to study that glitch in proper way. refresh का बटन नहीं होता क्या हमारे डेस्कटॉप में, वो ग्लिच रिमूव ही करता है एक सर्टेन सेंस में. तो प्रोपोगेशन डिले समझ में आना चाहिए आपको, शिफ्ट करना है बस. हाँ, आप ये भी डाउट अराइज कर सकते हो सर कि कोई भी वेवफॉर्म बिना टाइम के लिए, बिना टाइम के लो से हाई या हाई से लो कैसे हो सकता है, क्योंकि राइज टाइम और फॉल टाइम को हम लेंगे नहीं पूरे सिलेबस में, हम आइडियल स्क्वायर वेवफॉर्म लेंगे. ठीक है, ऐसा यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे. ये जो भी मैं आपको डिले वाला वर्जन पढ़ा रहा हूं ना, ये स्टैटिक 1 हैजार्ड या स्टैटिक 0 हैजार्ड या बेसिकली स्टैटिक हैजार्ड और डायनेमिक हैजार्ड पढ़ते वक्त बहुत काम आएगा आपको. प्रोपोगेशन डिले आपको इतने डेप्थ में पढ़ाऊंगा, आप सिलेबस के कंप्लीशन का टेंशन मत लेना बेटा. डिले कितने देर पर कैसे मालूम चलेगा, कितने देर का है, देखो डिले क्वेश्चन में गिवन होगा, किसी भी हार्डवेयर का डिले जब आपको देगा तो आप कंसीडर करोगे, नहीं देगा नहीं कंसीडर करोगे. जैसे आपका क्वेश्चन है ये कि डिले कितने देर का होगा, हमको नहीं पता, अगर ये यहां से ये डेटा हटा दूं मैं तो डिले मैं 0 नैनो सेकंड का बोलूंगा, तो मेरा आउटपुट वेवफॉर्म ये हो जाएगा. डिले देगा तो कंसिडर करो, नहीं दिया तो 0 नैनो सेकंड कंसिडर, और वायर में वो डिले नहीं लेगा कभी भी. मूविंग अहेड ना, तो और गेट आपको अच्छे से मैं समझ में आए. मूविंग अहेड, चलो दिखना कंप्लीट हो गया, आगे चलता हूं मैं. मैंने बोला था लॉजिकल और को हम लॉजिकल एडर बोलते हैं, वो स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया. अभी एंड गेट देखो, ऐसा मुझे रिकॉल हो रहा है कि एंड गेट का IEEE सिंबल, ठीक है मैं इसमें श्योर नहीं हूं, अगर आप में से कुछ लोग श्योर है तो आप कह सकते हैं कि एम्परसेंट वाला सिंबल होता है वैसे, है ना. अगर यहां पे मैं ऐसे एक ट्रायंगल ऐड करूं, लिखा हुआ है बुक में प्रॉपरली, मान लो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐड करें लाइक दिस, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल, तो ये नैंड हो जाएगा. ये ट्रायंगल जो बना है ना येलो कलर लाइन से, ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं.
बट बार 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 मैंने बोला कि हमें IEEE सिंबल से कोई मतलब नहीं, ठीक, वो एम्परसेंट का सिंबल है, आप भी यूज करते हो उसको सीसी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, यहां से अगर ये हटा दूं मैं तो एंड गेट, और इसको लगा देंगे तो नैंड गेट, और हमको पढ़ना है कन्वेंशनल सिंबल, लेकिन इसका एक नाम याद था, इसका नाम था वन बिट मल्टीप्लायर, वन बिट मल्टीप्लायर, ये डॉट है, ये इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं है, ए इनपुट बी इनपुट जेड आउटपुट, डॉट लगा है यहां पे, डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है एंड ऑपरेटर, ट्रुथ टेबल देखो, इसमें भी यूनिक आइडेंटिटी या पर्सनालिटी जरूर है, पर्सनालिटी मतलब इसकी एंड गेट की, ट्रुथ टेबल ए बी जेड आउटपुट जीरो जीरो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जीरो वन वन जीरो वन, देखो अभी जीरो जीरो में जीरो नो प्रॉब्लम, जीरो मल्टीप्लाई करो ना जीरो इंटू वन, अभी तो वन बिट मल्टीप्लाई ए बी जीरो वन इंटू जीरो, एक ही बार बना रहा है, अब आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट डेफिनेशन एक ही बार बनाया ना भाई, बार बार वन थोड़ी ना है, जब वन एक बार आ रहा है तो बिल्कुल कह सकते हैं हम ये वाला यूनिक आउटपुट है, तो दुनिया में वन देना एक सिंगल कॉम्बिनेशन के लिए वन देना, अगेन पूरे वर्ल्ड में लॉजिकली हाई एक पर्टिकुलर केस में, जबकि सारे इनपुट हाई हो, ऐसा वो एक ही लॉजिक गेट है, तो यूनिक आउटपुट, यूनिक आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट हाई लॉजिक, यूनिक आउटपुट हाई, हाई इज अ यूनिक आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट हाई लॉजिक, ठीक है, वन बिट मल्टीप्लायर भी हो गया था, फाइन, इसमें तो कुछ है नहीं बेटा, ये तो क्लास ट्वेल्थ की है बात है, फिजिक्स में जो हम पढ़ते थे, और भी सिंबल एंड गेट, ये एक्टिव हाई इनपुट है, एक्टिव हाई इनपुट, देखो ध्यान से एक बार, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, मतलब लोगों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बस ना ऐसे कर रहा हूं मैं, ताकि आपको इंटरेस्ट आए, ये हम सबको पता है ये एंड गेट है, लेकिन इसमें ना जैसे लेबलिंग की बात जब होती है ना तब बहुत ही कम लोग बता पाते, चलो मान लेते हैं हम ए बी एफ जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेगा, इसमें कोई बात नहीं होने वाली है, देखिएगा क्या, इसको देखो आउटपुट में कोई इन्वर्टर नहीं है, तो ये एक्टिव हाई लिख रहा हूं मैं इसको, आउटपुट में कोई इन्वर्टर नजर नहीं आया तो एक्टिव हाई आउटपुट लिख रहा हूं मैं, और सिमिलरली इनपुट को देखो यहां पे देखो, और ये भी इनपुट है तो ये भी इन्वर्टर नहीं है तो ये एक्टिव हाई हो जाएगा, मैंने कभी किसी टीचर को ये पढ़ाते हुए नहीं देखा, बट बुक में लिखा है ऐसे, अब उसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चेंज करना चाहता है, मान लो यू गेट द बोर्ड इन्वर्टर, ये दोनों क्लोज क्लोज होने चाहिए थे, बट दूर क्यों किया, क्योंकि मेरे को लेबल करना है, लेबल इनपुट लिया ए बी सेम एफ आउटपुट, आउटपुट को देखो इधर पे, ये आउटपुट तो क्या है, क्या बोल सकते हो ये वाले आउटपुट को, इन्वर्टर नहीं है बेटा, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, तो ये एक्टिव हाई ही होगा, एक्टिव हाई आउटपुट,
लेकिन मैंने बोला कि इन्वर्टर एक्चुअली पास पास है, बट दूर क्यों लगाया, सो दैट आपको लिखते रहना। ये देखो, ये जाके इनपुट में जा रहा है, ये जाके इनपुट में जा रहा है, तो अब ये एक्टिव लो होगा। ऐसा और देखो लास्ट सिंबल, इसको क्या बोलोगे, क्योंकि ये इन्वर्टर आउटपुट में है, आउटपुट की तरफ एक्टिव लो बोलोगे जब इन्वर्टर लगेगा तो। अब इनपुट को देखो, इनपुट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, यहाँ पे भी इन्वर्टर नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम, एक्टिव हाई। ठीक है, ये सब मैंने देखा नहीं किसी को पढ़ाते हुए, बट बता दिया। लेकिन इस सब नाम जानने से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट नाम जानने से आपको लोगों से इंटरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी अगर आपको कोई पूछता है कि एक्टिव हाई और एक्टिव लो हम कब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं या किस टॉपिक से पहली बार आता है, तो लॉजिक गेट से ही वो एक्टिव हाई और एक्टिव लो वाला कांसेप्ट स्टार्ट हो चुका है। Somebody is asking about last slide. इसमें लास्ट स्लाइड में देखने की ऐसे नीड क्या थी, एंड गेट का है ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है उसको सुन लो। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो मैथमेटिकल मैपिंग करते हैं हम बाइनरी वैल्यूज को लेकर, उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कंसिडरिंग बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, याद रख। बेसिकली XOR गेट जब हम पढ़ते तो डिले लेते तो बेहतर रहता, बट ले लेते हैं। दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग रेफरेंस टाइम लाइक t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई एंड गेट है हमारे पास, ए बी एफ। अभी प्रोपगेशन डिले नहीं किया हुआ, ए ले लिया, जीरो था, चेंज तब आया रेफरेंस टाइम पे। जरूरी नहीं है रेफरेंस टाइम पे ही चेंज आए, पहले भी आ सकता है। बी इनपुट को लेते हैं, इसमें अगर मैं ये लेबल नहीं मेंशन करूंगा ना तो आप शिफ्ट नहीं कर पाओ, इसलिए मेंशन करना जरूरी। ये वाला हम बोल सकते हैं 2 नैनोसेकंड के लिए है, ये जितना शिफ्ट हुआ है आगे इसको 1 नैनोसेकंड ले लेते हैं, और ये जो टाइम गैप है थोड़ा बड़ा लगना चाहिए, लग रहा है 2 से थोड़ा बड़ा, तो लेट इट बी 3 नैनोसेकंड। आपको एफ आउटपुट बनाना है बट बिना डिले के, अभी तो डिले दिया नहीं, जल्दी बना, अभी तो डिले नहीं दिया ना, तो बिना डिले के बनाते हैं। बिना डिले के बनाना है, 1 1 में 1 होगा, बाकी सब जगह 0 बना दो, बड़े आसान से। ये 0 है, सोचना नहीं है, 0 ही आएगा। यहां पे 1 है और ये भी 1 है, जब सेम एरिया 1 आ रहा है तो ही 1 लिखूंगा मैं, उसके बाद वो 0 ही है, तो 0 यहां तक कर दिया, इसके ऊपर वाला 0 तो फर्क नहीं पड़ा, हो गया इतना। दिस मच ड्यूरेशन इज हाउ मच। अलाइनमेंट इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो लेबलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 1 ns नैनो सेकंड, बट दिया नहीं है ना, तो प्रोपोगेशन डिले देना पड़ेगा, नहीं दिया था तब तो ये आउटपुट सही था, पर ये प्रोपोगेशन डिले मैं बोलता हूं 4 नैनोसेकंड का ले लो। ये राइज देखो कब आया, ये वाला राइज रेफरेंस टाइम पे आया है, तो वही राइज
अब डिले करने के बाद डिले करने के बाद कितने में आएगा? 4 नैनोसेकंड पे। तो ये है 0, 3 और ये 1। इसलिए मैंने आपको ये सारा लेबल इसलिए दिया था कि शिफ्ट करते वक्त कितने टाइम से शिफ्ट करना है, इसमें हमें दिक्कत ना जाए। पूरा वेवफॉर्म उठा के आगे शिफ्ट कर दो और यहां पे हमारा राइज आएगा। जो राइज 0 नैनोसेकंड पे आ रहा था, अब वो राइज कितने पे आएगा? ऐसे। तो इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए हम लोगों ने कल की क्लासेस से कि मुझे नहीं लगता अब आपको इस टाइम के देने या न देने से फर्क पड़ने वाला है। हो जाएगा। हाँ, ऐसा बोल सकता है कि कितने ड्यूरेशन तक इसका आउटपुट लॉजिकली 1 मेंटेन्ड है प्रोवाइडेड दिस टू वेवफॉर्म एंड द प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले का मतलब इनपुट देना के बाद इनपुट में जो चेंज आप दे रहे हो उसी चेंज को आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने के लिए कितना टाइम लगा। तो चाहो तो हम इसको लिखा सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल क्लासेस के लिए प्रोपोगेशन डिले बहुत सही है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? If input is being changed, the time required by any hardware to have the same reflection towards the output at the output. When change at the input is being reflected at the output, then the duration between that input applied and output being shown or generated is referred as propagation delay. ये सीएस वालों के लिए सही है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोपोगेशन डिले को मल्टीपल वेज में पढ़ते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली भी पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम प्रोपोगेशन डिले निकालते कैसे। जरूरत हुआ तो एंड ऑफ द सिलेबस के पहले मैं बता दूंगा। सफिशिएंट है इतना लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना, वो भी बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट नाम सुना है? यूनिवर्सल सेट देख लेते हैं एक बार। जब जब हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे ना, डिजिटल का डेप्थ आपके इमेजिनेशन से काफी ज्यादा डेप्थ में जाएगा। ठीक है, एक बात और कहनी है, मेरे साथ डेप्थ को डिसी में पढ़ाए तो आप बिल्कुल मेरे को बताइएगा, वो भी बेसिक टॉपिक पे। तो फिर हम सीक्वेंशियल की तो बात ही छोड़ दें, जितना मैं डेप्थ कवर करने वाला हूं मैंने अपनी बात रख दी, बाकी आप एक्सेप्ट करो या ना करो आप पे। मूविंग अहेड नाउ, फंक्शनली कंप्लीट सुनो। और एक ही बात है, फंक्शनली कंप्लीट बोलो या तो यूनिवर्सल सेट बोलो, बट फंक्शनली कंप्लीट वाला वर्ड आपके एग्जाम में है, उसी को हम यूनिवर्सल सेट के नाम से भी जानते हैं। एक सेट बनाया, इसके अंदर एक इन्वर्टर है, आपको बताना है ये फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं। यस वाई मतलब यस और एन मतलब नो। क्या n लिखा है? ओके ओके, कैपिटल n लिखा करो ना यार, स्मॉल n लिखते हो तो h की तरह दिखता है दूर से। ठीक है भैया, फंक्शनली कंप्लीट नहीं है, करेक्ट। मैं बोला अब ये फंक्शनली कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ऐसा ही है, अब ये फंक्शनली कंप्लीट है। नेक्स्ट में चलते हैं। अभी ये फंक्शनली कंप्लीट है। नहीं है? अरे नहीं है, यस मत बोलो। मैं बोला अब, राइट नाउ फंक्शनली कंप्लीट है ये अभी। और अगर तीनों को मर्ज कर दे तो उसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। और है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तो लाइक दैट। और है, एंड है, मतलब मैच कर रहा है,
रिदम वाइज फंक्शनली कंप्लीट है ये। मैं बोल रहा हूं ये फंक्शनली कंप्लीट है क्या, एक ही बात है, आप बताइएगा आप लोग। ठीक है, और फिर तो आपको पता ही चल गया दीज ऑल आर यूनिवर्सल सेट, ये बताओ। ठीक है, ओके, आपके एग्जाम्स बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनली कंप्लीट, फंक्शनली कंप्लीट इसको जब भी मर्ज कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक और एग्जाम्पल करेंगे। अब नहीं है ये फंक्शनली कंप्लीट इज द करेक्ट आंसर, आप इन्वर्जन कर ही नहीं सकते। तो फंक्शनली कंप्लीट हमको पता चल गया जिसका यूज करके हम कुछ भी बुलियन फंक्शन डिजाइन कर पाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डिजाइन कर पाए, कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डिजाइन कर पाए। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये बोला था कि देखो बेटा हम डिजिटल पढ़ते क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू, बट रियल लाइफ में डिजिटल हम क्यों पढ़ते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ये तो फिर आप मतलब इजी वे में अभी समझ लो, डिजिटल डेटा को हार्ड डिस्क में, जब आप हार्ड डिस्क बोलते हो तो डिजिटल डेटा ही आता है, एनालॉग डेटा नहीं, हम एनालॉग डेटा को नहीं स्टोर करते, टीडियस जॉब है वो, सहज नहीं होता, इंट्यूटिव नहीं होता, इजी टास्क नहीं है एनालॉग डेटा को स्टोर करना, तो डिजिटल डेटा को स्टोर करेंगे। फोटो देख लो आप, इमेजेस देख लो, ऑडियो देख लो, वीडियो देख लो, सबका सब डिजिटल फॉर्मेट पर स्टोर होता है, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम डिजिटल में नहीं है, एनालॉग में होता है। नेक्स्ट वन, मैंने कल नॉइज 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 का बात कर रहा था ना, मैं एनालॉग सिग्नल में नॉइस का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो मैं एनालॉग सिग्नल हूं, मेरा भाई डिजिटल सिग्नल है, तो कोरोना का इफेक्ट मेरे में ज्यादा होगा और उसमें कम होगा, समझो वो इस बातों को दूसरे तरीके से कह रहा हूं जो एक हमारे लिए जरूरी है। एनालॉग सिग्नल आर मोर प्रोन टू नॉइस सिग्नल और डिजिटल डेटा आर लेस प्रोन टू नॉइस सिग्नल, तो नॉइस का इफेक्ट कम है डिजिटल सिग्नल में और इफेक्ट ज्यादा है एनालॉग सिग्नल में। उसको हम ऐसे बोलते हैं, एक वर्ड होता है इंग्लिश में ससेप्टेबल, मतलब संवेदनशील, आप कितने संवेदनशील हैं डिजिटल सिग्नल को, मतलब नॉइस को लेकर, डिजिटल सिग्नल के रिगार्डिंग, नॉइस को लेकर एनालॉग सिग्नल के रिगार्डिंग। तो नॉइस का इफेक्ट हमारे पास डिजिटल सिग्नल में कम है और एनालॉग सिग्नल में ज्यादा है, और नॉइस हम जानते हैं कि नॉइस हमेशा एक नेगेटिव पार्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो नॉइस कम से कम किसमें है डिजिटल, तो डिजिटल कम्युनिकेशन इसीलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्ट कम्युनिकेशन डिजिटल है और एनालॉग स्लो कम्युनिकेशन, फास्ट और स्लो का डिस्कशन ही नहीं है, दोनों इक्वली फास्ट है, डिपेंड करता है कि मॉड्यूलेटिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको छोड़ दो आप। अब क्या हो गया, स्टोरेज की मैं बात कर लिया, हाँ, एंड नेक्स्ट वन कंप्रेस, जितना मुझे आइडिया है बुक्स में भी लिखा है कि कंप्रेस जो हम करते हैं ना एनालॉग डेटा को, हम नहीं कंप्रेस कर पाते, और हमको पता है कि हमें स्पेस बचाना भी है ना, 1 टेराबाइट, 100 टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऐसा याद करो आप। तो डिजिटल डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि WinZip फॉर्मेट, ZIP फॉर्मेट बोलता है, WinZip सॉफ्टवेयर होता है, मैं नहीं यूज करता, आप लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते होंगे, तो जिप से हम डेटा कंप्रेस करके फिर वापस डीकंप्रेस करके, कंप्रेस करेंगे ट्रांसमिटर एंड पे, डीकंप्रेस करेंगे रिसीवर एंड पे, ये एनालॉग डेटा में नहीं हो पाता। इतने सारे एडवांटेज मैंने बताए, ठीक है, इसीलिए हम डिजिटल सिस्टम को पढ़ते हैं। सो डिजिटल सिस्टम को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, लॉजिक गेट से स्टार्ट करेंगे हम, और लॉजिक गेट का यूज करके फ्लिप फ्लॉप और काउंटर्स और शिफ्ट रजिस्टर पढ़ के खत्म करेंगे, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन डे टू डे वर्ल्ड में 3-4 इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको बताया, एक और है बट वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फंक्शनली कंप्लीट सेट या नहीं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके देखो ये फंक्शनली कंप्लीट कैसे है उसको बताता हूं मैं। आप इस इन्वर्टर को इसके आगे लगा दो तो नैंड बन जाएगा, अब नैंड यूनिवर्सल है ये हमको पता है। इस इन्वर्टर को इसके बैक साइड पर लगाओगे तो नया जो लॉजिक गेट बनेगा वो अभी हमको नहीं पता है क्योंकि डी मॉर्गन सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस इन्वर्टर को यहां पे लगा दोगे तो नॉर गेट बन जाएगा,
अब नॉर गेट यूनिवर्सल है हमको पता है और उससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, इवन दैट कैमरा, डिस्क्रीट कैमरा, इवन दैट लैपटॉप, इवन दैट गैजेट्स, एनी ऑफ द गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये भी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा एक साथ सारे बेसिक लॉजिक गेट को मर्ज कर दिया, तो उस बेसिक लॉजिक गेट से जो चाहिए वो बनाओ ना। जब हम ऐसा कहते हैं कि मेरे पास ये है, अब मैं इससे जो चाहे वो बना सकता हूँ, कोई भी हार्डवेयर बना सकता हूँ, कोई भी बुलियन फंक्शन डिजाइन कर सकता हूँ इन सब गिवन हार्डवेयर से, तो फंक्शनली कंप्लीट। ये तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट फंक्शनली कंप्लीट हो गई बेटा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट फंक्शनली कंप्लीट होगा, डाउट थोड़ी ना। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूंगा कि ए बी बार बना दो, कोई फंक्शन बनाओ यहाँ पे इसका यूज करके, एफ इज इक्वल टू ए बी बार, तो ये फंक्शन कहाँ डिजाइन कर पा रहे हो आप, बी कॉम्प्लीमेंट में लेके कहां से आऊंगा, ठीक है, तो सही है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको बुलियन थ्योरम, क्योंकि नैंड और नोर पढ़ाने से पहले यही जरूरी है कि हम एक बार बुलियन थ्योरम को पढ़ लें। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में एलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, वो एलजेब्रिक फंक्शन रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, इंटीजर, मतलब रियल वैल्यू में तो सब आ गया, इंटीजर तो आ ही जाएगा, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जॉर्ज बुलियन ने जो बुलियन एलजेब्रा हमें दिया है ना, वो दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और इसी के नाम के सरनेम की वजह से ऐसा बोल सकते हो कि इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करें तो जॉर्ज उसका नाम है और बुलियन उसका सरनेम है, इसीलिए इसकी वजह से हमको ये मिला बुलियन एलजेब्रा या बुलियन थ्योरम लिख दिया, तो बुलियन थ्योरम तो प्रिसाइज हो जाएगा, बेटर ये है कि आप बुलियन एलजेब्रा लिख दो, बुलियन इसकी वजह से हमें ये मिला। अब इसको देखो, दिस इज व्हाट श्रीधरियम एक्सप्रेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, श्रीधरिया आचार्य, श्रीधरियम आचार्य ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए हमको, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट्स याद करो, चार क्लासिफाइड रूट्स होते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, कभी रियल वैल्यूज आता है, नेगेटिव रियल वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज, रिपीटेड रूट्स भी आता है, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि दोनों में कंपेरिजन करते हैं, इसमें हमारा माइनस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव आ सकता है, प्लस वन माइनस टू आ सकता है, माइनस थ्री प्लस माइनस फोर आयोटा आ सकता है, या प्लस माइनस ऑफ सिक्स आयोटा भी आ सकता है ना, पहले किया हुआ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गए, बट वहां पे बुलियन एलजेब्रा में ओनली टू वैल्यूज कंसिडर, ओनली टू वैल्यूज, डिजिटल इस दुनिया को बाद में मिला, लेकिन जॉर्ज बुलियन ने बुलियन एलजेब्रा बहुत पहले बना दिया था, 18th या 19th सेंचुरी, ठीक है, 18th या 19th सेंचुरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वन, बट बुलियन थ्योरम हमको दुनिया में पहले मिल चुका था, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवॉल्यूशन जितना मैं रिकॉल कर सकता हूं, ऐसे गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवॉल्यूशन इस दुनिया में 1958 या 57 से स्टार्ट हुआ था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम एक और सेंस में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको वीएलएसआई भी बोलते हैं,
ठीक है। और एक बार और सुन लो, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ना वहां से मैं उठाता हूँ। एक और बंदा है नाम, उसको अक्सर मैं भूल जाता हूँ हर क्लास में, ठीक है, जब ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो, ठीक है, अभी तो जिसका नाम याद आ रहा है उसकी बात करता हूँ। दो लोगों को नाम दिया गया है कि इन लोगों की वजह से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में आया है, रिवोल्यूशनाइज किया इन लोगों ने। जेके याद करो, जेके जेके फ्लिप फ्लॉप याद करो, मतलब जैक किल्बी, अब आप कुछ भी प्रोनाउंस करो इसको, KILBY, टेक्सास में जॉब करता था ये बंदा, कोई साइंटिस्ट नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉई है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इसी ने ऐसा फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई किया था, और इसीलिए इसके नाम के इनिशियल्स जे और के, जैक किल्बी, इसी की वजह से जेके फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। ये वही ड्यूरेशन है वाला, सेम हाउसलैंड करके कोई नाम है बंदे का, नाम मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जरूर एक बार ढूंढ के बताऊंगा कि दूसरे बंदे का नाम क्या था, और वो दोनों का कंट्रीब्यूशन एक आसपास ही है। तो जो आप जेके फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप जो बार बार कहते हो, उसमें जेके का मीनिंग बता दिया, उसी बंदे की वजह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवॉल्यूशन आया था, खासकर मॉस्फेट फेट आने के बाद, फेट इसके पहले ही आ चुका था, और मॉस्फेट किसी दौरान इन्वेंट हुआ था, मॉस्फेट, और मॉस्फेट की वजह से रिवॉल्यूशन आया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवॉल्यूशन आया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की वजह से 1947-48, अब बात है वो जब हम आजाद हो रहे थे, तब इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवॉल्यूशन आया एम्पलीफायर बनाकर, हम लोगों ने एम्पलीफायर बनाया, तो दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द एक्सीलेंट रिवॉल्यूशंस एवर बीइंग हेल्ड इन द हिस्ट्री 1947 के आसपास बीजेटी आने के बाद। ठीक है, ये तो मैं कहां की बात कर रहा था, बूलियन अलजेब्रा की बात करते करते हम यहां पर चले गए। इसका ये वाला नाम बताऊंगा ना, क्योंकि हम एक टीचर को पता होना चाहिए कि ये कहां कहां से किस किस लोगों की वजह से आया करके, जैसे कि मॉरिस कार्नोप, फ्रैंक ग्रे कोड, और मॉरिस कार्नोप कार्नोप के मैप जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो हम जो अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं डिस्टिल में, उसको हम बोलेंगे बूलियन अलजेब्रा। अब कुछ भी थ्योरम आप पढ़ाओ या कुछ भी थ्योरम आप पढ़ो, इसके अंदर ही वो फॉलो होगा। लाइक एग्जांपल के लिए सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सुना है नाम ना आपने, कंसेंसस थ्योरम में भी ना सुना हो, ट्रांसपोजिशन थ्योरम, कुछ भी थ्योरम पढ़ो, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, कुछ भी प्रॉपर्टी पढ़ो, कुछ भी आइडेंटिटी पढ़ो, कुछ भी एक्सियम पढ़ो, सब इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर बुलियन थ्योरम आएगा, और बुलियन थ्योरम को हम क्या क्या बोल सकते हैं और वो मैं बताऊं, लेकिन पहले यहां तक लिख लो, स्टोरी अच्छी रहती है, कई बार सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो हम स्टोरी पढ़ते हैं अच्छा लगता है हमको। मूविंग एट, बुलियन थ्योरम पढ़ रहे थे ना, तो बुलियन अलजेब्रा लिखवा, सब बुलियन अलजेब्रा के अंदर ही आएगा ना, बट उसमें कुछ नाम भी दे सकता हूं मैं, जो भी पढ़ाऊंगा मैं वो बुलियन अलजेब्रा के अंदर ही आएगा। ए है यहाँ पे आएगा, ए बार यहाँ पे आएगा, ए बार था चेंजिंग द कलर नाउ डबल बार विच इज इक्वल टू ए, प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब अप्लाई करने की। अभी इसको देखो, अगर किसी फंक्शन में मैं दो बार कॉम्प्लीमेंट लगाऊं, x बार लिखा था और x बार कभी बार, तो अगर किसी वेरिएबल में या किसी भी बुलियन फंक्शन में या एल्जेब्रिक फंक्शन में, बुलियन एल्जेब्रिक फंक्शन में अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट है तो यही है, वेरीफाई नहीं करेंगे हम, क्या करना वेरीफाई करके, एक बार एक को जीरो ले लो वन ले लो क्या फर्क पड़ेगा, बट इसको अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा।
या इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट सही वर्ड नहीं, अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। किसी फंक्शन में दो बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आएगा। पढ़ रहे हैं हम बूलियन अलजेब्रा, उसके अंदर हर इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे एक्सियम, प्रॉपर्टी को हम एक्सियम बोलेंगे। प्रॉपर्टी नाम मत यूज करो, सारे टीचर इंडिया में प्रॉपर्टी 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 ही बोलते हैं, थोड़ा तो कुछ अलग बोले एक्सियम। जो स्वयं सिद्ध है, जो चीजें ऑलरेडी प्रूवन है, जिसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसको गूगल में टाइप करोगे एक्सियम का मीनिंग क्या होता है, तो स्वयं सिद्ध आएगा, सेल्फ एविडेंटली प्रूवन लिखेगा। क्या लिखेगा? सेल्फ, खुद से, एविडेंस से बना है, एविडेंटली प्रूवन। इसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तभी मैं पहले बोला था प्रूफ क्यों करें, या ट्रुथ टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, इसको, इस सर्किट को और इस सर्किट को हम सेम बोलते हैं। लेकिन यहां से ऐसे करने के बाद दोनों में रिलेशन बताता हूं मैं। देखो ये ए है, ये ट्रायंगल मिला तो मतलब बफर, और यहां से आप आउटपुट लेके तो इसको ए ही बोलेंगे। ये ए मिला, बफर ट्रायंगल मिला, यहां से ए बार आया, ए बार आ गया। इसी चीज को ऊपर वेरीफाई करके देखो, हो रहा होगा वेरीफाई बिल्कुल। ए ए बार, यही ए बार इधर से ऐसे ऐसे करके यहां पे आ गया, और ये ए ऊपर वाला। दोनों सर्किट सेम है बेटा, यहां पे ना ऐसे करके लिखेगा। वन क्रॉस टू डिकोडर, यही है रियल लाइफ का वन क्रॉस टू डिकोडर। बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। वन क्रॉस टू डिकोडर कीजिएगा और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। विल स्टडी दिस वन लेटर, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको कि ये वन क्रॉस टू डिकोडर सर्किट की तरह बिहेव कैसे कर रहे हैं। तो एक इन्वर्टर या दो इन्वर्टर, एक इन्वर्टर या दो इन्वर्टर अपने आप में ही वन क्रॉस टू डिकोडर सर्किट है। इसीलिए मॉरिस मानू की बुक में लिखा हुआ है वी नेवर डिजाइन और द वन क्रॉस टू डिकोडर सर्किट का इंटीग्रेटेड सर्किट इज नॉट रेडिली अवेलेबल या नॉट अवेलेबल हो सकता है। बनाना ही क्यों जब यही हमारे पास, एक इन्वर्टर ही हमारे पास वन क्रॉस टू डिकोडर सर्किट की तरह काम कर रहा है, तो बनाना ही क्यों। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो क्योंकि 100% चीजें मे भी समझ में ना आए आपको, बाद में समझ में आ जाएगा। ये पहला एक्सियम है, जो भी हम एक्सियम पढ़ रहे हैं वो बूलियन थ्योरम, वही सबसे बड़ा सुपरसेट है वही वाला, उसी के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। ये वन दे दिया और ये एक्स है, यहां पे क्या आएगा, वन प्लस एक्स इज ऑलवेज वन। अगर वन को किसी बुलियन फंक्शन के साथ ऐड करोगे वन ही आएगा, वन को किसी बुलियन फंक्शन के साथ ऐड करोगे तो वन ही आएगा। लेकिन इसमें एक साथ में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, अगर वर्ल्ड में सबसे कोई बेस्ट सिंप्लीफिकेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यही है। इस स्टेटमेंट को अपने अंदर बैठा लो दिमाग में। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 1 प्लस समथिंग कुछ बना सकता हूं क्या, 1 प्लस कुछ भी, 1 प्लस समथिंग सिंप्लीफाइज टू 1। ग्राउंड को लॉजिक लो लेके, ग्राउंड, ये ग्राउंड बना रहा हूं, ग्राउंड का रिप्रेजेंटेशन जानते हो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड। एक्स ले लो, ये वाला आउटपुट जो आएगा x प्लस जीरो इज इक्वल टू x, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग इसको। और इसमें जो आइडेंटिटी है
वो जीरो है. एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एलिमेंट, सॉरी माय मिस्टेक, ये एडिटिव एलिमेंट है. एडिटिव एलिमेंट और टोटल को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं. टोटल को जीरो को किसी भी के साथ ऐड करो जीरो ही आएगा, बट एक्स शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू. यहां पर तो फाइनाइट होना ही है ना भाई, एक्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट. डिस्क्यू पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना इनफाइनाइट प्लस जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट. यहां पे ये मत अप्लाई करना, बता दे रहा हूं कि एक्स इज आइदर जीरो और वन. तो पूरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी. पूरा नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक. और जीरो का नाम क्या है? एडिटिव एलिमेंट. मूविंग अहेड ना, कुछ नहीं है ना इसमें, कोई अलग बात नहीं. अलग बात होगी तो आपको मैं पूछूंगा कि बताओ बेटा दिक्कत जा रहा है क्या करके. अगर हम जीरो को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचना नहीं है, जीरो ही आएगा. एक्स मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो. बड़ी मत करो, आंसर ये हो गया. इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई क्या करना है, जीरो को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा. लेकिन ये ऐसा मत करना इनफाइनाइट. मैथ्स में भी नहीं करना है आपको, मैथ्स की बातें करता हूं मैं अक्सर, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट के दिमाग कभी कभार वहां तक जाता है मैथमेटिक्स तक. पता चला आपने इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई जीरो को भी लिख दिया जीरो. इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. जिसको आप नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल लिखा ना कल, वैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म मत लिख देना इनफाइनाइट इनटू जीरो को जीरो पर. मे भी बहुत लोग लिखते हैं तो ही गलत है, ठीक. बट यहां पे तो हमारा एक्स फाइनाइट है, तो दिक्कत नहीं. वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ओके. वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स. नो नीड टू थिंक. नो नीड टू थिंक का मतलब पता है हमको पहले से. अगेन ये सब एक्सियम में ही है. अब बुलियन थ्योरम तो पढ़ रहे हैं हम लोग, बुलियन अलजेब्रा. एक्सियम ऐसा, एक्सियम ये टोटल को क्या बोलोगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट समझ में आ गया होगा आपको. ये तो वन को किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे है मल्टीप्लाइड बाय वन. लिमिट लगाना पड़ेगा. अरे वो लिमिट मैं लिमिट तो लगाने के बाद ही आया ये, हाँ ठीक है. लेकिन मैं बता फॉर्म 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 की बात कर रहा था. दीज ऑल बिलोंग्स टू इंडिटरमिनेट फॉर्म. इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, वन टू द पावर ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू जीरो, इनफाइनाइट बाय जीरो, जीरो बाय जीरो. लेकिन एल हॉस्पिटल रूल, जो एल हॉस्पिटल मत बोला करो, एल हॉपिटल होता है. स्पेलिंग चेक कीजिएगा, एल हॉपिटल, एच ओ पी आई टी एल, एल हॉस्पिटल. हॉस्पिटल बोलने की आदत हो गई हमको. तो वो रूल कब वैलिड है? एंड दैट रूल कम्स फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ टेलर एंड मैकलॉरिन सीरीज. आई थिंक प्रिसाइसली टेलर सीरीज तब से हुआ है. मैं आपको लिमिट लगाने की बात नहीं कर रहा था बेटा, मैं आपको बता रहा था फॉर्म कौन सा है. इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो, डिटरमिनेट फॉर्म में आता ही नहीं वो, ठीक है. ओके अब क्या है, क्या देखना है अभी? और भी हमारे पास है जीरो इंटू ए, ठीक है. चलो आगे का एग्जाम देखते हैं.
ये ले लिया, यहाँ पे ए ही आ रहा है, यहाँ पे ए बार आ रहा है, सो व्हाट इज द आउटपुट नाउ, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो, एक्सियम है ये, एक्स डॉट एक्स बार। अगर कोई फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। कल की क्लास आप 5:30 टू 7:30 प्लान है, मैंने और सिद्धार्थ सर ने क्लास किया, जीरो बाय जीरो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और एल हॉस्पिटल रूल, गुड गुड, सही है, सही कह रहे हो। तो मैंने और सिद्धार्थ सर ने जो प्लान किया वो कल की क्लासेस आपकी 5:30 टू 7:30 है, ठीक। इसको ले लो एक्स, यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे ये देखो कॉम्प्लीमेंट से बाहर आ रहा है, एक्स बार आया, तो टोटल आउटपुट कितना आ जा रहा है, x प्लस x बार। अगर कोई फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होगा a आएगा, इसको ऐसे भी लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, a b प्लस, अगर a b, a b कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होगा तो 1 होगा, बट वी विल बी गोइंग टू प्रूव दिस वन। सेवन थर्टी से ऑफलाइन क्लास रहती है सी की, ठीक है, तो सिद्धार्थ सर ही आपको बताएंगे, बट उनसे जो बात हुई थी, डिजिटल फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे होंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर, ये तो हो सकता है जब तक मैं हूं यहाँ पे तब तक सिद्धार्थ सर अपनी क्लासेस का टाइमिंग शिफ्ट कर ले, आगे पीछे कर ले, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी केस में। हाँ, तो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन, इसको मतलब कोई फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एड होगा तो मन आएगा, ब्लाइंडली लिखेंगे हम उसको, ठीक है। और अब ऐसे कर लेते हैं ना डायरेक्टली, व्हाट अबाउट x इनटू x विल बी x, व्हाट अबाउट x प्लस x विल बी x, सर्किट डायग्राम के रेस्पेक्ट में नहीं बताया, डायरेक्ट बताया, ठीक है, देख लो अभी। हो गया होगा यहाँ तक सबका लिखना, देखो ये सब प्रॉपर्टी ना बेटा हम अप्लाई इतने बार करेंगे ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने से दिमाग में चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। एक बार आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बुलियन एलजेब्रा के अंदर ही है, इट इज अ काइंड ऑफ बुलियन थ्योरम, ठीक है, बुलियन थ्योरम का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जांपल है, लाइक ले फॉर्मेट ये होना चाहिए, a प्लस bc इज इक्वल टू, द वे आई एम राइटिंग यू शुड आल्सो राइट लाइक दैट, a और b को पहले कंबाइन करके ऐड करके लिखो, तो a प्लस b हो गया ऐसे, ठीक है, वैसे ही अभी सी के साथ कंबाइन करके लिखो ऐसे, लाइक दिस, हो गया, ठीक है। छोटा सा प्रूफ देखते हैं, हम इसको दो बार प्रूफ करेंगे, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक तो आज एक के मैप पे, दो बार प्रूफ करने वाले, एक आज एक के मैप, तो प्रूफ देखो इसका, मैं ट्राई करूंगा कि हर इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ आपकी कॉपी में रहे, प्रूफ करने से हम सीखेंगे। a इनटू a, मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम है करके इनटू a को a लिख रहा हूँ, अब a को b के साथ लिखो a b, अब c को a के साथ लिखो और b c, ट्राई हम हमेशा ऐसे करेंगे कि जो अल्फाबेट पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, जो अल्फाबेट पहले आता है
उसको पहली लिखे लाइक यहाँ पे यहाँ पे बी ए भी लिखोगे तो चलेगा बट ट्राई टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. What about A into A? We have talked about this. A into A is A plus AB plus AC plus BC. Now, I can take A as common from first three term. Actually, वो term नहीं है, implicate. लेकिन क्योंकि हम शुरुआती दौर पे पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको first term, second term, third term, fourth term बोल रहा हूँ. बाद में नाम change करेंगे. A common लोगे, यहाँ पे बचेगा one. प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी और वन प्लस कुछ भी क्या होता है चेक करो व्हाट इज वन प्लस कुछ भी यहाँ पे देखो वन प्लस एनीथिंग सोचना नहीं है वन होगा और वन मल्टीप्लाइड बाई ए क्या आएगा तो प्रूफ हो गया. ये सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ है. लोग रेयरली आपको बताएंगे क्या सर प्रूफ प्रूफ तो कोई भी बन सकता है प्रूफ कोई भी बन सकता है लेकिन सेकंड प्रूफ क्या एक तो रेयरली बताएंगे दूसरा क्या है जो स्टेटमेंट अभी बोल रहा हूं उसको सुनोगे ध्यान से. अगर किसी स्टूडेंट को एसओपी का आइडिया है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एसओपी है देख लो. अगर किसी स्टूडेंट को एसओपी और पीओएस का थोड़ा सा भी आइडिया है तो उधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ए प्लस बी सी लिखा हुआ वो एसओपी है. कमेंट करके बता कि बताना पड़ेगा मुझे लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो फ्यू क्लासेस के बाद ही बता पाऊंगा. हाँ सर ये एसओपी कैसे हुआ नहीं तो वेट करना पड़ेगा आपको लेकिन अगर आप मानते हो कि वो एसओपी है तो गुड. इधर वाला देखो ये पीओएस है मतलब हमको ये कोई नहीं बताता कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हो ना तो बेसिकली इट्स अ कन्वर्जन फ्रॉम एसओपी टू पीओएस एंड पीओएस टू एसओपी या वाइस वर्सा भी लिख सकते हो इधर का उधर उधर का इधर और इसीलिए मैंने देखो एरो को पार्शली स्प्लिट किया हुआ और यही परफेक्ट है. बोथ आर इक्विवेलेंट आई कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा सिमिलरली राइट टू लेफ्ट. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज नॉट अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट नोट. इफ समबडी इज गोइंग टू टेल यू कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन तो बोलना नहीं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसओपी को पीओएस और पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करने का काम करता है. मैंने कई लोगों को देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन. अगर कोई ऐसा बोलता है वो गलत है. कहां कहां सिंप्लीफाई कर रहा है सिंप्लीफाई इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना हां कभी भी नहीं बोलते हैं. सिंप्लीफाई करना किसको बोलते हैं मतलब यहां पे भी तीन वेरिएबल और यहां पे भी तीनों वेरिएबल इधर देखो सॉरी यहां पे भी तीन वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है यहां पे भी तीन वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है. वेरिएबल तो कम नहीं हुआ ना वहां पे भी दो टर्म है यहां पे भी दो टर्म है तो मैं किस सेंस में कहूं कि सिंप्लीफाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या अगर फॉर्मेट ऐसा है सर फॉर्मेट कैसा मैं समझा नहीं. फॉर्मेट ऐसा x प्लस वाई जेड का फॉर्मेट है तब मैं अप्लाई कर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं है. अगर ऐसा भी फॉर्मेट है तो भी अप्लाई कर सकता हूं उल्टा x प्लस वाई जेड प्लस एक्स देखने का तरीका होना चाहिए. लेकिन अभी आप इसको ऐसा देखो x प्लस वाई एक्स प्लस जेड तो सही तब ये फॉर्मेट जब सेटिस्फाई होगा तब हम अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज नॉट अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन बट इट कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस एंड वाइस वर्सा. समझ में आना चाहिए मेरा स्टेटमेंट आपको ठीक है लिखिए अभी यहां तक. लिखना होगा तो बताइएगा. लिख लिया होगा वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इट इज नॉट अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन बट इट कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस And vice versa. Proof दिख गया हमको. मैं three variable के बदले four variable में करता हूँ. W plus x y z. Proof करने की requirement नहीं है. Same way से आप proof कर सकते हैं. इधर से इधर जाएंगे, इधर से वापस भी आ सकते हैं.
एक बार W को मैं X के साथ ऐड करके लिखूंगा, तो W प्लस X। दूसरी बार वे ऑफ राइटिंग ना, दूसरी बार मैं W को Y के साथ ऐड करके लिखूंगा, इसलिए मैं बोला कि लिखो भी वैसी जैसे मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और लास्ट टाइम पे मैं W को सेट के साथ कंबाइन करके लिखूंगा और आप प्रूव कर सकते हो, इजी कर सकते हो ना, एफर्ट दोगे तो हो जाएगा। इसको सब ओपन कर लो, कॉमन ले लो, बड़े इजी वे में हो जाएगा। बट अभी ये फोर वेरिएबल है, डिपेंड द फोर हाउ मेनी वेरिएबल्स आर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर, W और X और Y और Z, तो फोर वेरिएबल ही है। मैं बोला a प्लस a बार b, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी अप्लाई करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वन ऑफ दी स्पेशल केस है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वन ऑफ दी स्पेशल केस है, क्योंकि फॉर्मेट डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा। ये वाला जो है नीचे वाला ये फॉर्मेट है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, एक बार मैं ए को ए बार के साथ ऐड करूंगा, देखो ऊपर देख लो ऐसे ही बताया था मैंने, और एक बार मैं ए को बी के साथ ऐड करूंगा। बट यहाँ पर सिंप्लीफाई हो पा रहा है, तभी तो वो स्पेशल केस है ना, एब्जॉर्प्शन लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक स्पेशल केस है। व्हाट इज दिस वन, लिखना नहीं है अगर वन वन इमेजिन करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्लियर, एक बार आप लोग कॉपी में इसको अप्लाई करो, ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ ही बट वेरिएबल का बदनाम बन गया। तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स बार, इमेजिनेशन देखो हमारा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स बार है, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो ये आगे वाले टाइम पे मैं लिख पाऊंगा। लेकिन आपको स्टेप्स नहीं भूलना है, रटना नहीं है, क्रैम्प नहीं करना है, सीआरएमपी रटना क्रैम्प ये लर्न बाय हार्ट सब एक ही बात। आगे जरूर चलते हैं, अब हम जो आप डी मॉर्गन्स लॉ जो पढ़ते हो, तो डी मॉर्गन्स लॉ भी बूलियन एलजेब्रा का पार्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इट्स अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बताना चाहता यहाँ पे कि डॉट को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, हम डॉट को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ये हम सबको आइडिया है इसका, नहीं आइडिया है तो सुनो ध्यान से, डॉट किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, और प्लस किस में कन्वर्ट होगा, डॉट, और ब्रेक करेंगे अगर जॉइन है तो, और जॉइन करेंगे अगर ब्रेक है तो, लेकिन किसको वो इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को ब्रेक टू जॉइन एंड जॉइन टू ब्रेक, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। A प्लस बी द होल बार, टू वेरिएबल में देखो, इज इक्वल टू ए बार प्लस बिकम डॉट बी बार, गुड।
सही है ना, सुधर सकते हैं अभी। ए डॉट बी होल बार कितना आएगा ये? ए बार प्लस बी बार इतना ही है। इस थ्री वेरिएबल पे एक बार देखते हैं, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। देखो प्लस है और कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी ब्रोकन फॉर्मेट में है या ब्रेक फॉर्मेट में है, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस बी कम डॉट प्लस बी कम डॉट, ठीक है। देखो और कॉम्प्लीमेंट जो टूटे हुए फॉर्मेट में था वो ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार, ऐसा ही मान लेते हैं। तो क्या होगा देखो, डॉट बिकम प्लस एंड प्लस बिकम डॉट, तो डॉट था तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉम्प्लीमेंट ब्रेकन फॉर्मेट में था, ज्वाइन कर लो इसको। ये हमारा डी मॉर्गन्स था, ये फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इट्स अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, डी मॉर्गन्स लॉ इज अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आगे चलेंगे अभी हम, आगे लिखो यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हम पहला वाला पढ़ेंगे। देखो नाम नाम चेंज किया नहीं है, टेक्निकल नेम है उसका। पहले क्या होगा एंड, उसके आगे क्या लगा होगा इनवर्ट, तो इनवर्टर को मैं ऐसे ही बना रहा हूं बबल के फॉर्मेट में बना रहा हूं, ठीक रहेगा। ये देखो एंड इनवर्ट, समझ गए इसका नाम आप। एंड इनवर्ट मतलब सिनोनिम्स ऑफ नैंड, नैंड को ही हम ये बोल रहे हैं, नॉट गेट एट द आउटपुट ऑफ एंड। इसको ले लेता हूं ए बी, इनपुट लिया यहां पे क्या आएगा ए बी, यहां पे आउटपुट क्या आएगा ए बी बार। अगर मैं इन्वर्टर को पुश कर देता हूं और उसके इनपुट पे लेके जाता हूं, तो सिंबल फाइनली ऐसा है। तो सिंबल इजाद कैसे हुआ ये हमको समझ में आ गया। चलो हम एक्स वाई ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है नाम बदल दो। एक्स वाई मल्टीप्लाई किया पहले, देखो देखो मल्टीप्लाई किया था, पहले मल्टीप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट दिया, तो पहले तो हमको नैंड गेट में सारे इनपुट को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑल द इनपुट्स एंड देन टेक कॉम्प्लीमेंट। ये डेफिनेशन याद रखो, काम आएगा सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीप्लाई करो, कई बार हमसे सिंपल सर्किट सिंप्लीफाई नहीं हो पाता क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन को वैसे नहीं पढ़ा जैसे सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना पड़ता है। मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना हमको सिंबल का अच्छा खासा आइडिया है, तो बस उनको ये बताना मेरे को, इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ये सिंबल नहीं पता। देखिए ध्यान से, ये सिंबल आप भी नहीं बता पाओगे और कोई टीचर भी नहीं बता पाएगा। ये रंगोली नहीं है दिवाली का, ये सिंबल है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो इज द डेफिनेशन, ऐसे लिखो आप। ये आप सिंबल बता नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। और मैं एक्चुअली उनके लिए है कि जिनको लगता है ना डिसल बड़ा आसान है, मैं सिंबल ही दे देता हूं ना,
किसी स्टूडेंट को या किसी टीचर को कि बताओ ये सिंबल किसका है, तो बता नहीं पाएगा, आप भी नहीं बता पाओगे, कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा इस क्लास में इस सिंबल का मीनिंग बता दे क्या है ये, नेंड तो है, वो भी नेंड है ये भी नेंड है, दोनों में फर्क क्या, और यहाँ ये जेन्युइन सिंबल करेंट सोर्स नहीं है, ओपन कलेक्टर मॉडल है, ओपन कलेक्टर मॉडल टीटीएल नैंड गेट, ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट का सिंबल है वो, ठीक है। बट ऐसा है ना कि हमको सब्जेक्ट इसलिए आसान लगता है क्योंकि उस डेप्थ को हमने रिसीव नहीं किया, अचीव नहीं किया हुआ, इसीलिए आपके सीनियर लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, वेट 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 बताता हूँ, तो मैं अगर मैं मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं या एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो उसमें लेट मी काउंट 2 2 2 6 सिक्स नैंड गेट चाहिए होता है और सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो कौन सा डेफिनेशन काम करता है, सुनो, मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब फीलिंग वाइज सुनो, हम सारे इनपुट का मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कब, नैंड गेट में। तो अगर आप ऐसे याद करते हो ना कि मल्टीप्लाई करो इनपुट को फिर कॉम्प्लीमेंट लो, तो टफ सर्किट को हैंडल करने में आसानी होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डाउट ये था कि सर ये सिंबॉल किसका है, यह है ओपन कलेक्टर, ओपन कलेक्टर बीजेटी वाला कलेक्टर, टीटीएल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार ऐसी चीजें रखता हूँ अपने पास जो स्टूडेंट को बताए ऐसा नहीं है भाई, जैसे कि पता है हमने यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्रैक करना है, सिंबॉल भी पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में हम, बट ये लॉजिक फैमिली का इनहेरेंट पार्ट है। ट्रुथ टेबल, लेट्स टॉक अबाउट ट्रुथ टेबल नाउ, प्रोपोगेशन डिले का डिस्कशन चलेगा चलेगा चलता ही रहेगा एंड तक, किसी किसी दिन क्लासेस में ना हो तो घबराने का नहीं है। ए हो गया, बी हो गया, ए बी बनाएंगे, फिर ए बी बार बनाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 1 1 0। देखो यही है यूनिक, अभी मैं बोलता था दुनिया में हर लॉजिक गेट की पर्सनालिटी या आइडेंटिटी यूनिक होगी, तो हमारे नैंड गेट का आउटपुट एक ही बार जीरो आएगा, इसीलिए जीरो यूनिक। पहले मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 कॉम्प्लीमेंट लो 0, मल्टीप्लाई 0 कॉम्प्लीमेंट 1, मल्टीप्लाई 0 कॉम्प्लीमेंट 1, मल्टीप्लाई 0 ऑब्वियसली 0 × 0 इज 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो मल्टीप्लाई करो, चाहो तो आप, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सो दैट आप भी अपनी कॉपी में, मैं ऐसे लिख लो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो, लिखो ना, क्या दिक्कत क्या, हम तो हमारे नोट्स है तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है, 10 मिनट हो गए, हाँ 10 मिनट हो गए। देखो ये सिंबल आप अपने नॉलेज के लिए रखो बेटा, ये वाला सिंबल, ठीक है, कोई पूछेगा नहीं आपको कि लॉजिक फैमिली आपके पार्ट से हटा दिया, वो 90s में था आपके पास लॉजिक फैमिली आप लोग के सिलेबस पे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम टीचरों को बताना भी तो पड़ता है ना कि डिस्टिल भाई ऐसा नहीं कि जितना आपको पता है उतना हमको भी पता होगा,
सिंबॉल तो सिंबॉल ही होता है सर, सिंबॉल में कौन सा नया काम कर लोगे? नहीं, सिंबॉल में बहुत सारी चीजें है, बहुत लोग को तो नियॉन लाइट का सिंबॉल नहीं पता होता। 1.5 जीबी डेटा इज गोइंग टू फिनिश सर। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, अभी तो डेली क्लास होगी हमारी, कल का टाइमिंग आपको सिद्धार्थ सर इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, मेरा एक एडवाइस है आपको, सजेशन बोल दो या एडवाइस बोल दो, कि जो भी क्लासेस होगी, चाहे दो क्लास हुई तो दो का पढ़ के आओ, चार क्लास हुई तो चार का पढ़ के आओ, फिर एक टाइम के बाद जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा तो पीछे का ऐसे मत पढ़िएगा, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट टॉपिक को पढ़ के आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट तब तक आसान लगता है जब तक वो चलता रहता है, क्योंकि हम रिविजन करते रहते हैं, रिविजन नहीं करोगे तो टफ हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट लोग इसलिए रिविजन नहीं करते क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ईजी है, नहीं फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार कॉपी जरूर देख के आएगा, आधे घंटे हो या 15 मिनट्स, फ्लैशबैक में जाके प्रेजेंट टाइम पे आइएगा और फिर कंटिन्यू करेंगे। और जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसका सिर्फ अप्लाई करना सिखाऊंगा, अब उसको रिपीट नहीं करूंगा। जैसे कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा चुका हूँ तो मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक और प्रूफ हमें बचा है, केमैप। जब हम केमैप पढ़ेंगे तो केमैप इतना ज्यादा वेटेज है ना आपके सीएस ब्रांच में कि वो हैवी न्यूमेरिकल भी कैरी करता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे के कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जानते हो ना, इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिडंडेंट, सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, ड्यूअल फंक्शन, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, फिर नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम एन वेरिएबल, 2^2^n, और फिर ड्यूअल फंक्शन व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम एन वेरिएबल, तो सब केमैप से ही इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ईपीआई व्हिच वी कैन फॉर्म, ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हम केमैप में करेंगे। केमैप में इतना यूनिक पढ़ाऊंगा ना, आप खुद बोलोगे सर इतना तो करना आपको भी नहीं आता था, अब ये कमेंट अराइज होगा आपकी तरफ से। ओके, ठीक है, चलो, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।